बुंदेलखंड के महोबा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अराजक तत्वों द्वारा अन्ना गौवंशों को जबरन पंचायत घर में कैद कर दिया गया, जिससे भूख प्यास से तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे आला अफसरों ने अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार द्विवेदी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने कोतवाली पुलिस को मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दिए। पशु चिकित्सकों ने मृत गौवंशों का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार कराया। महोबा से देवेंद्र सोनी की रिपोर्ट। इसमें टोटल 8 जानवर बंद किए गए थे जी, जिसमें से 5 जानवर की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, 3 जानवर जीवित हैं जिनका उपचार कर दिया गया है। अच्छा, 2 घंटे बाद इनका दोबारा से उपचार होगा। तो क्या आपको लगता है किस वजह से ये मर गए होंगे? क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण इन्होंने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और जानवरों को अंदर बंद कर दिया। अच्छा, जिससे इनको ऑक्सीजन नहीं मिली और दम घुटने से इनकी मौत हुई। अब क्या इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा? बुंदेलखंड के महोबा जिले में योगी सरकार के फरमानों का नहीं है कोई असर। अपराधी गुंडे अब सरकारी कर्मचारियों को शिकार बनाने में नहीं करते हैं परहेज। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कबरई पावर हाउस में घुसकर गुंडों ने जिस कदर विद्युत कर्मी एसएसओ को दिन दहाड़े किया मारपीट, जिसका वीडियो वायरल हुआ। बेखौफ दबंगों का तांडव। दिन दहाड़े पावर हाउस में घुसकर विद्युत कर्मी रवि सिंह चौहान को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, तब भी नहीं भरा मन तो गाड़ी में डालकर ले गए अज्ञात स्थान। हरिओम ग्रेनाइट के गुर्गों ने दिया वारदात को अंजाम। प्रेशर प्लांट का फ्यूज न बांधना पड़ा भारी। कबरई थाना क्षेत्र के पावर हाउस का मामला। हालांकि कबरई पुलिस का कहना है कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महोबा से देवेंद्र सोनी की रिपोर्ट। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के राठ पनवाड़ी मार्ग पर नर्सरी के पास अनियंत्रित होकर आपे पलटा। एक दर्जन से ज्यादा सवारियों से भरा था आपे। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दो की हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर। शासन के लाख प्रयासों के बावजूद नहीं रुक रहा है ओवरलोड सवारियों का सिलसिला। ऐसा ही नजारा राठ पनवाड़ी मार्ग पर देखने को मिला। क्षमता 7 सवारियों की, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर बिठाई जाती है 20-20 सवारियां। प्रशासन द्वारा इन्हें देख कर भी नजरअंदाज किया जाता है। प्रशासन द्वारा क्यों नहीं की जाती कड़ी कार्रवाई? आखिर कब तक होता रहेगा आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़? अब देखना होगा कि प्रशासन द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई की जाती है। महोबा से देवेंद्र सोनी की रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर शहर के प्रेसिडेंट पार्क में एसएसबी 39वीं वाहिनी का कमांडेंट मुन्ना सिंह की अगुवाई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कारगिल युद्ध में शामिल रहे कैप्टन सूबेदार सुखविंदर सिंह शामिल हुए। कैप्टन सुखविंदर सिंह ने संक्षिप्त में युद्ध के दौरान जवानों के पराक्रम से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के बाद युद्ध विजय की दास्तां सुनाई। इस दौरान उन्होंने शहीद जवानों के पराक्रम पर्व प्रकाश डाला, जिससे सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम स्थल पर रैली से पूर्व एसएसबी जवानों, पुलिस कर्मियों व स्कूली बच्चों ने युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका नमन किया। रैली में सबसे आगे एसएसबी कमांडेंट मुन्ना सिंह, एसडीएम पूजा यादव, सीओ प्रदीप यादव, प्रभारी कोतवाल राजेश चल रहे थे। उनके पीछे एसएसबी के जवान और फिर स्कूली बच्चे। पंक्तिवर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद व देश के शहीद सपूत अमर रहे आदि के गगनचुंबी जयकारे लगाते चल रहे थे। रैली में शामिल स्कूली बच्चों में व्यापारी नेता रवि गुप्ता ने स्टॉल लगाकर बिस्किट, पानी व केले वितरित किए। प्रेसिडेंट पार्क से चली रैली मालगोदाम रोड, स्टेशन रोड, संपूर्णा नगर रोड होती हुई गोल्डन फ्लावर स्कूल पर पहुंची, जहां भारत माता के जयकारों के साथ रैली का समापन किया गया। लखीमपुर खीरी से धीरज गुप्ता की रिपोर्ट। आज कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में 39वीं वाहिनी के सेकेंड इन कमांड श्री राजीव अहलूवालिया जी, सभी अफिसर साहबान, जेसीओ साहबान और 39वीं वाहिनी के बहादुर जवान और साथ ही पलिया नगर से विभिन्न कॉलेजों से आए हुए स्टूडेंट, टीचिंग स्टाफ और प्यारे बच्चों, आपको कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही मेरे लिए ये बहुत ही गौरव का पल है और जैसे सर ने बताया कि ये बिल्कुल एक फौजी तरीके से मेरे को भी अचानक विदिन आधे घंटे के अंदर यहां पे चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया गया। शामली जनपद की झुंझाना पुलिस ने एक महिला के मर्डर का खुलासा किया। खुलासा बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि महिला की हत्या किसी और ने नहीं
बल्कि उसी के पति ने की है। हत्यारे पति ने अपने चाचा व दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था और हत्या कर महिला के शव को घर में खाट पर डालकर मौके से फरार हुए थे। पत्नी के अवैध संबंध से परेशान होकर पति ने पत्नी के हत्याकांड की साजिश रची थी। फिलहाल पुलिस ने हत्यारे पति व उसके दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वही हत्या में वांछित चौथा आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। शामली के थाना झिंझाना क्षेत्र में एक अज्ञात मर्डर लिखा गया था 20 तारीख को। उसमें सूचना ये मिली थी कि एक महिला के सिर में चोटें हैं और वो महिला मृत अवस्था में उनका शव मिला था। उस पर 3 टीमें गठित की गई थी। चूँकि ये अज्ञात हत्या का मामला था इसलिए एक चुनौतीपूर्ण था पुलिस के लिए। थाना झिंझाना के प्रभारी ओपी चौधरी के नेतृत्व में जो टीम लगी थी उसको सफलता मिली और इस मिस्ट्री का परत दर परत खुल गया। इसमें पति ने ही हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया था और इस मामले में मुख्य अभियुक्त पति ही निकला। पति से पूछताछ की गई तो इसके अन्य 3 साथियों के नाम और आए जिसमें से 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ ये बात पूछताछ में निकल के आई कि ये जो मृतका का पति है ये पहले भी एक अब इसी मृतका की के प्रेमी की हत्या में 2 साल जेल काट चुका है। इसको अपनी पत्नी का अन्य लोगों से अवैध संबंधों का शक रहता था और इसी अनैतिक संबंधों के शक की बुनियाद पर इसने जेल से छूटने के बाद अपनी पत्नी की भी हत्या कर दी और इसको मामले को छुपाने और दबाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन पुलिस की तत्परता से मामला खुल गया है। पति और 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, बाकी विवेचना जारी है। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रामपुर कांग्रेस कमेटी के सभी लोग इकट्ठा हुए और सिविल लाइंस चौराहे से धरना प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम रामपुर को ज्ञापन दिया जिसमें कहा गया है आजम खान और उनके एक साथी आले हसन ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, उसको गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस नेता अतीउल्लाह रहमान बबलू ने बताया कि आजम खान के जो काले कारनामे है, काला चिट्टा है, जो 26 किसानों की जमीन जो उन्होंने हड़प रखी है, जो जबरदस्ती रजिस्ट्री करवाई है, उन्होंने ग्राम समाज की जमीन, नदी की जमीन, जो रामपुर में कई इमारतों को एक एक रुपए में नीलाम करा रखा है, इन सभी मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है। जिला अधिकारी द्वारा ज्ञापन देकर के जौहर यूनिवर्सिटी में पैसा लगा है, इन सभी की CBI जांच करवाई जाए। कलेक्ट्रेट में धरना देने वाले करीब 2 दर्जन से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामपुर से हारून अली की रिपोर्ट। जौनपुर पुलिस ने माइक्रो फाइनेंस कर्मी से हुए लूट का खुलासा कर दिया। बीते 15 जुलाई को केराकट थाना क्षेत्र के बेहड़ा गांव के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी दानगंज के कर्मचारी को तमंचे से आतंकित करके कंपनी का 85,000 रुपए और टैबलेट लूटकर सनसनी फैला दी। पुलिस ने इस लूट कांड का खुलासा कर दिया है। SP विपिन कुमार मिश्रा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए लूट के खुलासे की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इस लूट कांड का षड्यंत्र जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुभाष यादव ने रची थी। सुभाष यादव केराकट थाना क्षेत्र के बम्बावन गांव का निवासी है। उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। वही अपना गैंग चलाता है। इस लूट की योजना जेल के अंदर बनाई गई थी। योजना के तहत इस गैंग के सदस्य आदर्श सिंह निवासी बेहड़ा, अमन सिंह निवासी भीतरी और सचिन सिंह निवासी बेहड़ा ने लूट को अंजाम दिया था, जिसमें सचिन पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। SP ने माना छापेमारी के दरमियान जेल में मोबाइल फोन बरामद होने से यह स्पष्ट हो गया है कि जेल के भीतर से बदमाश अपने गैंग चला रहे हैं। जौनपुर से पुष्पेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उसे जेल में मोबाइल फोन जो कि नित्य बरामद होते हैं, लगभग जो है मोबाइल फोन के माध्यम से अपराधी अभी सक्रिय हैं और वो बहुत सारी सूचनाएं जो है वह जेल के बाहर करते हैं और अपने जो एजेंट्स हैं उनके माध्यम से घटनाएं कारित कराते हैं। जेल के अंदर से संचालन हो रहा था पूरे गिरोह का, इस गिरोह का पूरा संचालन। ये 15 जुलाई को भारत माइक्रो फाइनेंस कंपनी दानगंज बनारस में कार्यरत कर्मचारी से हमारे थाना चंदवाक के ग्राम बेहड़ा में जो विभिन्न ग्रामों से वसूली करके पैसा लेकर आ रहे थे, तो बेहड़ा के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने इनका पैसा लूट लिया था और उस झोले में इनका टैबलेट तथा अन्य सामान भी रखे हुए थे। जो आज उसका अनावरण करते हुए इसमें आदर्श सिंह पुत्र संतोष सिंह और अमन सिंह पुत्र रविन्द्र नाथ सिंह दोनों थाना केराकत के गांव बेहड़ा और भीतरी के रहने वाले हैं, जो कि घटनास्थल से थोड़ी ही दूरी पर है, 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक वांछित भी है सचिन सिंह,
वो भी ग्राम बेहड़ा का रहने वाला है जो अभी फरार चल रहा है। इन अभियुक्तों के कब्जे से एक 32 बोर की पिस्टल और 4 कारतूस तथा 26,400 रुपये और चोरी की मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो बरामद की गई है। जिला पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बरात बोझ में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसमें मृतक महिला के माता पिता ने दहेज की मांग को लेकर लड़की को मार देने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्थायी रुद्रपुर निवासी तथा स्थायी जिला बदायूं के झिरोली गांव के निवासी हरी बाबू ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी रचना की शादी पीलीभीत की कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बरात बोझ निवासी हर्षित के साथ 7 माह पूर्व की थी। दोनों लोगों ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था। हरी बाबू ने आरोप लगाया कि हर्षित के परिवार के सदस्य दहेज के लिए लड़की के साथ आए दिन मारपीट करते थे तथा लड़की रचना आए दिन उनको यह बात फोन पर बताया करती थी। हरी बाबू ने आगे बताया कि उसे फोन आया था कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। बेटी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर वह लोग बारात बोझ को आए तो पता लगा कि बेटी की मृत्यु हो गई है। हरी बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? चिरौली जिला बदायूं। आप यहाँ थाने में आए हुए हैं, क्या परेशानी है आपकी? परेशानी है ये है कि मेरी लड़की को चाहे फांसी लगा के पता नहीं लगा के मार दिया। जब मैं सुबह यहाँ से मैं कंपनी चला गया था, कंपनी मेरे पास फोन पहुँचा 10 बजे, तो मैं वहाँ से भाग के आया तो इन लोगों ने बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है। जब मैं यहाँ पे आया था तो खराब नहीं थी, रात में इसको मार दिया। अच्छा, लेकिन मेरे को ये मालूम पड़ा कि तबीयत ख़राब है, यहाँ आया तो वो मर चुकी। क्या नाम था आपकी लड़की का? लड़की का नाम रचना था। तो आपने इस बात की यहीं शिकायत कर दी थाने में? हाँ, थाने में शिकायत कर दी है, मैं थाने में ही हूँ। अच्छा, कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई हो रही है। वही लड़की की मां ने बताया कि जब बेटी रचना की लाश को देखा तो लड़की के गले में निशान थे। ससुराल पक्ष के लोग लाश को जलाने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, मगर हमने उनसे कहा कि उनके रिश्तेदार आने वाले हैं, तब तक के लिए क्रियाक्रम करने में जल्दबाजी ना करें। मगर ससुराल पक्ष के लोगों ने पीछे के दरवाजे से लाश को ले जाकर श्मशान भूमि में जला दिया, जिस पर मृतक रचना के परिजनों ने डायल 100 नंबर पुलिस को बुला लिया, जिस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कमल सिंह पुलिस बल के साथ श्मशान भूमि मौके पर पहुंचे और जलती हुई चिता में अधजला शव को निकाल कर शव सील कर पंचनामा भरते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही इस प्रकरण में पुलिस क्षेत्र अधिकारी सदर योगेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। पीलीभीत से राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। गांव बरात भोज थाना जहानाबाद का है, इसमें एक बालिका संदिग्ध पक्षी की मृत्यु हो गई है और उसके घर वालों ने बताया है कि उसे दहेज के लिए पीड़ित किया जा रहा था। घर वालों से पिताजी से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, FIR दर्ज की जा रही है, उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई की।